ये देखो भाई, मतलब ये क्या हो रहा है, ये पूरा एक करिश्मा है भाई, ये क्या हो रहा है। ऊपर से देखो एक बार नीचे जो आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं एक घर बना लूँ यार यहाँ पर लग रहा है कि पत्थर हटा के यहाँ से एक घर बना लूँ और यहाँ पर एक चेयर बैठा के यहाँ से पूरा जब सुबह नींद से जागूँ और यहाँ से बैठ के चाय पीऊँ। अगेन गुड आफ्टरनून भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग। फिलहाल आपको स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो पर। तो मैं आ चुका हूँ अभी लाहौरिया डैम पर। तो पहले लास्ट लोकेशन जो आपको दिखाया था लाहौरिया डैम, तो ये है लाहौरिया शिव मंदिर, मतलब भगवान शिव का ये मंदिर है। आपको दिखाऊंगा अभी ये मंदिर का नज़ारा और आसपास का नज़ारा। चलो तो फिर देख लेते हैं एक बार ये मंदिर कैसा है और आसपास का नज़ारा कैसे होगा। ये है पूरा मंदिर लक्ष्मी नारायण, ये पूरा लक्ष्मी नारायण का तो मैं मूर्ति देख रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो भाई पूरा इसका गेट है और आसपास का नज़ारा यहाँ से ही थोड़ा दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा एक ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट, मतलब एटमॉस्फेयर है। ऊपर का नज़ारा सामने, ये जो लास्ट लोकेशन का दिखाया था ये सामने ही इसका डैम है अभी। और ये देखो ये पर पहाड़ का थोड़ा नज़ारा बढ़िया लग रहा है। ये है शिव का मंदिर और ये है आसपास का नज़ारा। ये पहाड़ के साथ ये जो मंदिर है इसका कॉम्बिनेशन, मतलब इसको बोलते हैं डेडली कॉम्बिनेशन। ये अंदर है भगवान शिव और इसका ये है मंदिर, यहाँ पर उनका मूर्ति है, ओम नमः शिवाय। तो ये है आगे का नज़ारा, एक बार देख लेते हैं। उन लोगों का शिष्य है, भगवान शिव का कुछ शिष्य है यहाँ पर रहता है। ये बनियान ट्री देखो, शायद ये बनियान ट्री होगा, कितना अच्छा लग रहा है। ये था पूरा हिसाब किताब इस जगह का। तो देखते हैं और बाकी तीन लोकेशन कैसा रहेगा, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलो देखते हैं कैसा होगा। तो भाई मैं आ गया हूँ मेरा आठवां लोकेशन लेकर, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा आपको। मतलब ये इंटरेस्टिंग क्या बोलूँगा, मतलब एक इनक्रेडिबल चीज़ दिखाऊंगा आपको जो मैं सामने देख पा रहा हूँ शायद। ये देखो भाई, मतलब ये क्या हो रहा है, ये पूरा एक करिश्मा है भाई, ये क्या हो रहा है। ऊपर से देखो एक बार नीचे जो आ रहा है ना, तो भगवान का क्या देन है भाई। मुझे मतलब मैं पूरा शॉक्ड हो गया। सामने जो सीन है वो उसमें मैं देख रहा हूँ एक मयूर आवाज़ कर रहा है, बोलता है लोअर डैम। और पिछले बार जो मैं लोकेशन दिखाया था ये है लाहौरिया डैम लास्ट वाला। तो लाहौरिया डैम के बाद में गया था लाहौरिया शिव मंदिर, अभी ऊपर आया। ये जो लोकेशन नीचे से दिखा रहा था मैं, ऊपर ये रास्ता, ये है इन लोग, ये डैम का रास्ता, इस डैम से नीचे जा सकते हैं। और साइड में है ये पहाड़ और ये और भी ऊपर जाने का रास्ता। और एक लोकेशन है अपर डैम, और भी थोड़ा ऊपर यह से जाएंगे हम लोग, ऊपर और भी रास्ता है, तो ये अपर डैम भी जाएंगे। तो चलते हैं भाई। अभी जो देखा मैंने ये, मतलब क्या बोलूँ, ये पूरा मेमोरेबल हो जाएगा लाइफ में। यही तो चीज़ है देखने के लिए, सब लोग मतलब कितना टाइम स्पेंड कर देते हैं ज़िंदगी में। तो मुझे तो भाई मैं जो दिखाने वाला हूँ आपको साइट पर
वो है एक बार उसका नज़ारा देखो और आप सब कुछ भूल जाओगे। ये मुझे वाकई लगता है। ये देखो भाई, यहाँ से हर पूरा पहाड़, दूर से दूर तक जो जो पहाड़ है, उस पूरा पूरा लेक पहाड़ सब कुछ ऊपर से दिखाई देता है। मुझे लग रहा है कि मैं एक घर बना लूँ यार यहाँ पर। लग रहा है कि पत्थर हटा के यहाँ से एक घर बना लूँ और यहाँ पर एक चेयर बैठा के यहाँ से पूरा जब सुबह नींद से जागू और यहाँ से बैठ के चाय पीऊँ। मतलब और कुछ नहीं लगेगा भाई। ये जगह क्या है भाई, क्या नज़ारा है। ये भगवान का देन है भाई, ये कभी नहीं ख़राब होना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे नहीं, ये भगवान किसी को ये इसके ऊपर नज़र ना दे, मतलब नज़र ना लगे ये जगह के ऊपर। इस साइड देखो भाई, ये डैम है, डैम का ये है पूरा पानी और दूर दूर तक पक्षी ट्री सब दिखाई दे रहा है। ये है अपर डैम का पूरा नज़ारा, चारों तरफ एक बार देख लो भाई। तो भाई क्या बोले, 9th लोकेशन जो है, मैं ये देखकर पूरा मतलब क्या बोले फ्लैट हो गया मैं। मुझे इच्छा हो रहा है कि यहाँ पर मैं रह जाऊँ, मुझे कोई ना ले जाए यहाँ से। अगर ले जाए तो क्या करे, मुझे खुद को भी जाना पड़ेगा यहाँ से। फिलहाल अभी जो लोकेशन है ये पूरा एक बार आपको दिखा दिया। ये देखकर मुझे भी मतलब सेटिस्फेक्शन आ गया। अभी जाएंगे लास्ट लोकेशन मयूर पहाड़ पर। वह पर शायद हम लोग अपना जातीय क्या बोलते हैं नेशनल बर्ड देख सकते हैं, मयूर। तो फिलहाल यही हिसाब किताब है भाई। तो वो दिखा के आपको और एक फाइनल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये 10 टूर कैसे कर सकते हैं, किस जगह से कर सकते हैं, और अगर करोगे तो कितना लग सकता है, कहाँ से आप गाड़ी लोगे। तो पूरा हिसाब किताब मैं लास्ट पर जो मेरा ड्राइवर दादा है उसके साथ एक मुलाकात कराऊंगा। तो भाई साहब मैं आ गया हूँ। मेरा लास्ट जो लोकेशन है जो मैंने बोला था वो वहाँ पर अपर डैम के सामने, ये है मयूर पहाड़, इसको बोलते हैं मयूर पहाड़। जो लोकेशन है आइयो आपका अपर डैम, वो सी लेवल से 2000 फीट ऊपर है। तो ये बहुत ही वाकई बहुत बढ़िया है मतलब। और ये है आसपास का नज़ारा भाई, ये पहाड़, ये पत्थर देखो, ये नेचुरली ऐसा हो गया है, ये नेचुरली आया है ये पत्थर। क्या लग रहा है इस जगह। हालांकि मैं अभी यहाँ पर कोई पीकॉक नहीं देखा, शायद है नहीं, मतलब एक समय था तभी शायद था यहाँ पर, अभी नहीं है। ये है पूरा जगह, ये बोलते हैं मयूर पहाड़। तो आप देख सकते हो ये एक बार, ये देखो भाई क्या नज़ारा है यहाँ, क्या बोले। मतलब जो भी जितना भी लोकेशन देखा ना, जितना भी लोकेशन मतलब मैं विजिट किया हूँ, एक से एक के एक बढ़कर जस्ट कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। मैंने यहाँ से नीचे जा रहा है ये लोकेशन, मतलब वहाँ से भी जा सकते हैं, कुछ ऐसा बना हुआ है, मुझे पता नहीं, और नहीं जा सकता आगे, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है जगह। इससे ऊपर से एकदम टॉप व्यू,
मयूर पहाड़ का, और ये है हम लोगों का लास्ट लोकेशन। अभी फिलहाल यही ख़त्म करना पड़ेगा भाई।